नमस्कार, स्वागत है आपका। फारूक अब्दुल्ला पर जो है संजय राउत ने एक बार फिर तंज कसा है और निश्चित तौर पर सीधे सीधे ये बात कही है कि पाकिस्तान जाकर लागू कराएं अनुच्छेद 370। यानी संजय राउत जो है ना वो अब अपनी राष्ट्रीयता को एक बार फिर से मुखर करना चाहते हैं, क्योंकि शिवसेना को ये जो उन्होंने अलायंस किया कांग्रेस और एनसीपी के साथ, इसके बाद कहीं ना कहीं एक जो चोट लगी है उन्हें वो उनके नेशनलिस्टिक रवैये पर लगी है। यानी वो जो राष्ट्रीयता का भाव शिवसेना पर दिखता था मराठी मानुष वाला, वो निश्चित तौर पर अभी तो नहीं नजर आ रहा है, वो गायब होता हुआ दिख रहा था। और इसीलिए बीते दिनों हमें पता है कि किस तरह से फारूक अब्दुल्ला के बयान हो या इसके अलावा जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने वहां पर बयान दिए थे, उनके खिलाफ संजय राउत के धड़ाधड़ ट्वीट्स आ रहे हैं, धड़ाधड़ बयान निकल कर आ रहे हैं। अभी तक इन सारे मसलों पर वो चुप बैठे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जो थोड़ी सी छेछा लेदर हुई थी कि किस तरह से हमने कंगना रनौत से भिड़ गए और उसको लेकर के शरद पवार को आकर के कहना पड़ा, जो सोर्सेस ने हमें बताया है कि आपने एक अभिनेत्री को नेत्री बना दिया और इन सारी चीज़ों को आपको बंद करना चाहिए, उसके बाद संजय राउत जो है इस पूरे के पूरे मसले पर बैकफुट पर आ गए। और अब जो है वो वही जो हाइपर नेशनलिस्टिक मुद्दा है, यानी राष्ट्रीयता का किस तरह से प्रदर्शन किया जा सके और कौन कितनी तेज चिल्ला सकता है इस पूरे के पूरे मसले पर, उस पर संजय राउत फूट गए हैं। और अब जिस पाकिस्तान का जिक्र करने से वो खुद बचा करते थे, क्योंकि कंगना रनौत ने किस तरह से पाकिस्तान पीओके इन सारी चीजों का जिक्र किया था मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर, उन सारी चीजों को लेकर अब संजय राउत बयानबाजी करने लगे। लेकिन उनका बयान जो है वो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जाकर अनुच्छेद 370 लागू करवाएं। तो लगातार अब वो इस पूरे के पूरे मसले पर जो है वो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत दिख रहे हैं, राष्ट्रीयता से भरे हुए नजर आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं शायद अपने उन वोटर्स को जो कि अब उनसे खफा हो चुके हैं, खासतौर पे महाराष्ट्र में सत्ता के लोभ को लेकर के उन्होंने जिस तरह की चालें चली, जिस तरह की तिकड़म बाजी की, उन सारी चीज़ों के बाद ये बात साफ तौर पर सीधी सीधी नजर आती है कि संजय राउत को ये इशारा मिल चुका है कि अब हमें अपनी उसी लकीर पर वापस आना है जिस लकीर पर शिवसेना की राजनीति लगातार चलती आई थी। यानी एक तो कट्टर हिंदुत्व उनका सॉफ्ट हिंदुत्व पड़ गया जैसे ही वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर जुड़े, और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज सामने निकल कर आई वो बीते दिनों की छीछा लेदर है, जिसमें कंगना रनौत का जिक्र है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और मुंबई पुलिस का जिक्र है, खास तौर पर इनके रवैये को लेकर जिक्र है, जिस तरह से उन्होंने बीएमसी को कंगना के खिलाफ दौड़ाया, इन सारी चीजों में उनका नुकसान हुआ है और अब वो इमेज रीबिल्डिंग का काम करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें उनके पीआर के पूरे काम को संभाला है संजय राउत ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।